हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटेड फोकस एंड आई एम हियर आकांक्षा मिश्रा। टुडे टॉपिक इज़ मेजॉरिटी पावर एंड माइनॉरिटी रूल। सो क्या लग रहा है आपको टाइटल से, क्या मीनिंग हो सकता है इसका? मेजॉरिटी पावर्स, ये किससे रिलेटेड है मेजॉरिटी पावर? और माइनॉरिटी रूल ये कहाँ यूज़ हो रहा है, किसके लिए यूज़ हो रहा है? तो चलिए इंट्रो देखते हैं। तो कॉरपोरेट वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो कंपनी के मैनेज के लिए मेजॉरिटी रूल को ही हमेशा फेयर और जस्टिफाइड माना जाता है। मेजॉरिटी रूल या मेजॉरिटी पावर कह लीजिए, इसका इम्पोर्टेंस होता है किसी भी कंपनी में। कोर्ट जनरली इंटरवीन नहीं करती कंपनी के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में, इसीलिए वो मान लेती है जो भी मेजॉरिटी शेयर होल्डर होंगे उन्हीं के रूल, मतलब कि जो भी उनके डिसीजन होंगे वही पूरी कंपनी में बाइंडिंग होंगे। तो चलिए अब देखते हैं पावर ऑफ मेजॉरिटी क्या होती है। मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज़ गवर्न बाय रूल ऑफ मेजॉरिटी। कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो रूल ऑफ मेजॉरिटी से गवर्न होती है। द मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी गवर्न द विल ऑफ द मेंबर हैविंग द मेजॉरिटी पावर ऑफ दैट कंपनी। कंसिक्वेंटली डिसीजंस ऑन एनी क्वेश्चन इन कंपनी इज रिजॉल्व बाय पासिंग रिजोल्यूशन बाय मेजॉरिटी। तो क्या होता है कि मेजॉरिटी से रिजोल्यूशन पास करके डिसीजन ले लिए जाते हैं। व्हेन एनी रिजोल्यूशन इज पास्ड देन इट बाइंड ऑन ईच मेंबर ऑफ अ कंपनी। जब कोई भी डिसीजन लिया जाता है वो सारी कंपनी पे लागू होता है इक्वली। द कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर इन द प्रोटेक्टिंग द शेयर होल्डर, ये तो हमने पढ़ा। अब देखते हैं द प्रिंसिपल ऑफ पैरामाउंसी और सुप्रीमेसी ऑफ शेयर होल्डर वॉज गिवेन इन फेमस केस फॉस वर्सेस हर्बर्टल इन 1843। तो चलिए 1843 में चलते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में क्या हुआ था, फॉस और हर्बर्टल के बीच में केस हुआ था। तो कंपनी के मतलब दो शेयर होल्डर केस करते हैं कंपनी के डायरेक्टर पे कि कंपनी के डायरेक्टर ने मतलब टू मेंबर ऑफ अ कंपनी कंप्लेंट अगेंस्ट डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी सेइंग दैट दे हैव डन फ्रॉडुलेंट वर्क। उन्होंने कोई मतलब डायरेक्टर ने फ्रॉडुलेंट वर्क किया है एंड द कंपनी हैज़ डैमेज, इसी वजह से कंपनी क्या हो गई है, ख़राब हो गई, मतलब डैमेज हो गई। दे अपील्ड इन कोर्ट, उन्होंने अपील किया कोर्ट में टू गिव ऑर्डर टू डायरेक्टर फॉर कंपनसेशन टू कंपनी, कि कंपनी को कंपनसेशन दे। तो कॉन्ट्रेरी टू इट, इसके अपोजिट में कंपनी रिजोल्यूशन पास करती है मेजॉरिटी से दैट नो एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द डायरेक्टर। कंपनी की मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जाता है कि डायरेक्टर के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होगा। कोर्ट गेव द जजमेंट दैट द लॉस इज नॉट ओनली मेड टू दोज हु हैव फाइल्ड द केस बट दिस लॉस हैज़ हैपेंड टू द इंटायर कंपनी। कोर्ट ने ये कहा कि ये जो फ्रॉडुलेंट वर्क हुआ तो वो सिर्फ किसी एक पर्सन के साथ नहीं हुआ, यह होल कंपनी के साथ हुआ है, इंटायर कंपनी के साथ हुआ है, इसीलिए केस शुड बी फाइल्ड बाय कंपनी नॉट बाय माइनॉरिटी शेयर होल्डर। तो केस जो है वो पूरी कंपनी का माना जाएगा, किसी माइनॉरिटी शेयर होल्डर का नहीं माना जाएगा, इसीलिए माइनॉरिटी शेयर होल्डर की बातों को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया, कि क्योंकि कंपनी की अपने लिए खुद ही एक्शन ले सकती है रिजोल्यूशन पास करके, उसके लिए किसी एक इंडिविजुअल मेंबर को जाने की कोर्ट में ज़रूरत नहीं है। इन एडिशन कोर्ट सेड दैट द टास्क परफॉर्म बाय द ऑपरेटर्स आर सच दैट कैन बी कन्फर्म्ड बाय मेजॉरिटी। ऑन दिस ग्राउंड कोर्ट डिसमिस द केस। तो ये केस डिसमिस हो गया। तो चलिए देखते हैं सेकेंड फेमस केस लॉ, जो कि है राजा मुंद्रा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन वर्सेस नागेश्वर राव का। दैट यूजुअली कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द कंपनी। कंपनी क्या करती है, किसी दूसरे के घर में ताका झाँकी नहीं करती, इसका मतलब कंपनी के इंटरनल अफेयर में पार्टिसिपेट नहीं करती। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ शेयर होल्डर, किसी शेयर होल्डर के अपील करने पर, एप्लीकेशन करने पर, केस सूट करने पर, एंड कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर अंटिल वर्क इज़ बीन डन बाय द डायरेक्टर एज पर द पावर गिवन बाय आर्टिकल। जब तक डायरेक्टर ने अपनी आर्टिकल के हिसाब से काम किया है तब तक तो ठीक है, अगर उसके बियॉन्ड काम किया है तब जाके कोर्ट एक्शन ले सकती है। नॉट ओनली दिस, इफ द वर्क डन बाय द डायरेक्टर इज सपोर्टेड बाय द मेजॉरिटी शेयर होल्डर द माइनॉरिटी शेयर होल्डर कैन नॉट डू एनीथिंग। यहीं तक मतलब कि ये बात यहीं तक ठीक नहीं थी। ये भी माना जाता है कि भले ही डायरेक्टर ने मतलब कि जो भी डायरेक्टर डिसीजन लेगा, जो भी डायरेक्टर काम करेगा, अगर वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर से सपोर्टेड है, उसको सपोर्ट मिला है, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। ये है इसका ये पावर ऑफ मेजॉरिटी, कि मेजॉरिटी के पास ये पावर है कि माइनॉरिटी के ऊपर वो
मतलब कि उसके आगे माइनॉरिटी कुछ नहीं है. द कंक्लूजन ऑफ दिस प्रिंसिपल इज़ दैट द विल ऑफ शेयर होल्डर इन द कंपनी इज़ सुप्रीम. कंपनी के शेयर होल्डर की विल जो है सुप्रीम मानी जाती है, इसलिए इसे सुप्रीमेसी लॉ भी कहा जाता है. एवरी मेंबर हैज़ अ राइट टू वोट इन कंपनी मीटिंग ऑन रिजोल्यूशन. द प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट द राइट ऑफ मेजोरिटी हाउ द कंपनी बिजनेस विल ऑपरेट. इफ एनी लॉस ऑकर टू द कंपनी देन कंपनी हैज़ पावर टू रिड्रेस नॉट द इंडिविजुअल शेयर होल्डर. सो होप यू अंडरस्टैंड दिस. अब मूव करते हैं इसके एक्सेप्शन की तरह, कि ये तो मान लिया कि मतलब मेजॉरिटी का ही साथ देती है कोर्ट और कंपनी का, मतलब माइनॉरिटी का कोई माइनॉरिटी को इग्नोर किया जाता है. लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन है जहाँ पे माइनॉरिटी का साथ दिया जाता है. प्रिंसिपल ऑफ पैरामाउंट या नॉन इंटरफेरेंस भी इसे कहा जाता है. तो इंपॉर्टेंस ऑफ मेजॉरिटी इन टर्म्स ऑफ जस्टिस विच विल बी अगेंस्ट द विल ऑफ द मेजॉरिटी इन द फॉलोइंग सिचुएशन. तो चलिए देखते हैं एक्सेप्शन क्या क्या है. सबसे पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर कंपनी कोई भी काम, मतलब या कंपनी के डायरेक्टर ऐसा काम करते हैं जो कि कंपनी एक्ट के बियॉन्ड है, बियॉन्ड द पावर ऑफ है, अल्ट्रा वायरस है या इलीगल है, तो उस केस में मान लिया जाएगा कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर की सुप्रीमेसी काम नहीं आएगी, तब वहाँ पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर की सुनी जाएगी. इफ वर द सेकेंड एक्सेप्शन इज व्हेन द रिजोल्यूशन इज पास बाय कंपनी विथ इनएडिक्वेट मेजॉरिटी. इनएडिक्वेट मेजॉरिटी मतलब अपर्याप्त मात्रा में जो मेजॉरिटी संख्या है, तो उस हिसाब से अगर रिजोल्यूशन पास किया गया कंपनी में, तो इस केस में भी ये मतलब ये एक्सेप्शन माना जाता है मेजॉरिटी पावर का. सो मैंने की पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि जहाँ पे कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत थी, वहाँ पे कंपनी ने ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके मेजॉरिटी शेयर होल्डर का पावर लिया है, तो उस केस में ऐसा नहीं, उस केस में मेजॉरिटी की पावर को नहीं माना जाएगा. वहाँ पे माइनॉरिटी की माइनॉरिटी रूल एप्लीकेबल होगी, माइनॉरिटी को भी ध्यान में रखा जाएगा. थर्ड वन इज़, चलिए थर्ड देखते हैं क्या है. इन्वेजन ऑफ पर्सनल राइट. When majority shareholder pass a resolution in which minority member are dealt with fraud, then this majority rule does not apply. तो majority rule कब नहीं apply होगा, जब majority shareholder कोई resolution pass करते हैं और minority member उसमें minority member के साथ fraud किया जाता है. Fourth is provision of protection to minority in case of operation and mismanagement of company under section 241 and 242 of the company act. ये दोनों section में operation and mismanagement के बारे में बताया गया है. उस केस में भी मेजॉरिटी रूल अप्लाई नहीं होती. इसके बारे में हम डिटेल में पार्ट टू वीडियो, मतलब हमारा सेकंड वीडियो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट है, उसमें पढ़ेंगे. और फिफ्थ पॉइंट ये भी हो सकता है, बिलेटेड मीटिंग. मीटिंग जब होनी चाहिए थी तब नहीं हुई, लेट में हुई है, और ये भी मेजॉरिटी रूल तब अप्लाई नहीं होगी. अब चलिए मूव करते हैं सेकेंड टॉपिक पे, जो कि हमारा राइट्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द कंपनी. कंपनी के प्रोविजन से राइट लिया गया है. इन एडिशन द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट गिव मोर राइट टू द शेयर होल्डर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द माइनॉरिटी. दिस राइट आर एज फॉलोज. इसमें माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कुछ कंपनी के प्रोविजंस दिए गए हैं, जो कि कुछ पांच हैं. चलिए देखते हैं. डेविएशन ऑफ क्लास राइट. क्लास राइट्स का डेविएशन मतलब कि भेदभाव एक तरह से समझ लीजिए. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 द प्रोविजन आर अवेलेबल टू एल्टर राइट अटैच्ड विद शेयर ऑफ एनी क्लास. किसी क्लास ऑफ शेयर का मतलब राइट अटैच है उससे, तो उसको अल्टर किया जा सकता है. सेकंड इज अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ एक्सटिंक्शन. अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 241 ऑफ द कंपनी एक्ट, इफ एनी शेयर होल्डर और शेयर होल्डर हैज़ एनी कंप्लेंट ऑफ एनी एक्टिविटी ऑफ द कंपनी दैट आर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, देन ही कैन मेक अ कंप्लेंट टू द कंपनी लॉ बोर्ड फॉर द सॉल्यूशन. अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा था कि अगर किसी शेयर होल्डर को कंप्लेन करनी है कंपनी के अगेंस्ट, तो जो कि उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तब जाके कंपनी लॉ बोर्ड में वो सॉल्यूशन के लिए कंप्लेन कर सकता है. उसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि नहीं कर सकता. थर्ड इज़ प्लान फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड इंटीग्रेशन. तो रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए या इंटीग्रेट होने के लिए भी प्लान हो सकता है. इफ़ माइनॉरिटी आर डिस एग्री विद द प्रपोजल ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द कंपनी देन दे आर प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट. तो उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाएगा अगर वो इसके खिलाफ है. तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंपनी एक्टिविटी. अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 210 ऑफ द कंपनी एक्ट, कंपनी लॉ बोर्ड हैज़ राइट टू अपॉइंट वन और मोर देन वन इंस्पेक्टर टू इन्वेस्टिगेट द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी एज पर द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्डर पे कंपनी लॉ बोर्ड को राइट है कि वो कोई भी अपॉइंट कर सके, एक इंस्पेक्टर या एक से ज़्यादा, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके कंपनी के इंटरनल
इंटरनल मैनेजमेंट में क्या एक्टिविटी चल रही है। दिस अपॉइंटमेंट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पे ही ये अपॉइंटमेंट किया जाएगा और एप्लीकेशन रिसीव्ड टू द कंपनी लॉ बोर्ड बाय द प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ मेंबर। अदर राइट्स में क्या क्या है, प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्सप्लोरेशन, कंपनी की एक्सप्लोरेशन हो रही है उस केस में, उसके प्रोविजन्स भी इसमें दिए गए हैं। प्रोविजन ऑफ एग्रीमेंट एंड मैनेजमेंट, प्रोविजन रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ द कंपनी, प्रोविजन रिलेटेड टू क्लास एक्शन, क्लास एक्शन से रिलेटेड कोई प्रोविजन हो, कंपनी के एक्वायर कोई और कर रहा है, एक्विजिशन चेंज हो रही है, या एग्रीमेंट या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई बात है, या कंपनी की एक्सप्लोर हो रही है, कंपनी बढ़ रही है, तो ये सब जो भी प्रोविजन है इसमें, इन सभी बातों में, और क्लास राइट की डेविएशन, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट एक्सटिंक्शन, प्लान फॉर रिकंस्ट्रक्शन इंटीग्रेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंपनी एक्टिविटी, ये सारे क्या है, राइट्स मिले हैं प्रोविजन के अंदर, ये सब सारे राइट्स मिले हैं कंपनी एक्ट से किसको, माइनॉरिटी को। अब चलिए मूव करते हैं हमारा सेकेंड टॉपिक, लास्ट है जो कि, तो आज हमने मेजॉरिटी पावर माइनॉरिटी रूल के बारे में समझा। अगर इसके इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव अ थम्स अप एंड शेयर इट विथ योर एवरी फ्रेंड सो दैट दे कैन रीच दिस वीडियो और दिस प्लेटफॉर्म टू अंडरस्टैंड इन ईजी लैंग्वेज एज अ रिविजन और इन्जॉय द स्टडी विथ मी। सो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू गाइज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, सो बी रेडी फॉर दैट।